गुड मॉर्निंग। पाठ 10, चालक सुनार। कैसा सुनार? चालक, चालक सुनार। इसमें ये कहानी है, शिक्षक बंधु छात्रों को कहानी के माध्यम से ईमानदारी के लिए प्रेरित करें। अब देखो इस कहानी को पढ़ो। इस कहानी में क्या है? उंगली रखोगे और साथ साथ पढ़ोगे मेरे। उंगली अटी और दुर्घटना घटी। चंदनपुर गांव में नंदू नामक एक गरीब लकड़हारा रहता था। कौन रहता था? लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटकर शहर में बेच देता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका जीवन ये व्यतीत किससे हो रहा था? लकड़ी काट कर। लकड़ी जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता और वह बेचता और उससे अपने रोजमर्रा की चीजें लेकर आता। एक दिन नंदू जंगल की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जंगल की ओर। उसे झाड़ी में एक कंगन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कंगन। उसे देखते ही उसने सोचा, वन देवी ने मुझ पर शायद कृपा की है। किसने मुझ पर कृपा की है? वन देवी ने। इसे बेचकर कुछ समय तक मैं अपने दिन आराम से बिता सकता हूँ। इस किसको बेचकर? कंगन को बेचकर वह क्या बोल रहा है कि मैं अब कुछ दिन में आराम से बिता सकता हूँ। यह सोचते हुए नंदू ने कंगन उठाया और शहर आ गया। दूसरे दिन नंदू एक सुनार के पास गया। कहाँ गया? सुनार के पास। और बोला, महाशय मुझे यह कंगन जंगल में मिला है। कहाँ पर मिला है यह कंगन? वो सच था, इसलिए लकड़ारा सच बोल रहा था कि मुझे ये कंगन जंगल में मिला है। आप इसके बदले में मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। सुनार ने उस कंगन की बारीकी से जांच की, मतलब उसको गौर से देखा। सुनार है, वो देखते हैं गौर से बेसोने का है या फूटा है या कैसा है, इसलिए उस सुनार ने भी उसकी जांच की और अपने मन में सोचा। और अपने मन में क्या सोचा? कि ऐसा बेशकीमती कंगन इसे भला जंगल में कैसे मिला होगा? यह झूठ बोल रहा है, जरूर ही यह इसे चुरा कर लाया है। अब वो सुनार उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि हो सके इसको मिला थोड़ी ना, यह कैसे चुरा कर लाया है, किसी न किसी तरह इसे हड़प लिया जाए। अब उसके मन में लालच लग गया सुनार के मन में कि मैं इसको ले लूँ, हड़प लूँ उसको तो अच्छा रहेगा। यह सोचकर सुनार ने नंदू से कहा, इस वक्त मेरे पास इसकी सही कीमत की रकम नहीं है, कल तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं रुपए देकर खरीद लूँगा। इन बातों के साथ सुनार ने कंगन उसके हाथों में देकर उसे वापस भेज दिया। नंदू लकड़हारा उस कंगन को अपने घर में बड़ी सावधानी में से छिपाकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। यानी वापस वो अपना रूटीन काम करने लग गया कंगन को छुपाकर, क्योंकि उसको पैसे उसने दिए नहीं थे। तब उसने सोचा कि मैं इसको कंगन को छुपाकर अपने घर में वापस मैं जंगल लकड़ी काटने चला जाता हूँ। इसी बीच सुनार कोतवाल के पास गया, यानी पुलिस के पास, और शिकायत करते हुए बोला, कोतवाल साहब, नंदू नामक एक लकड़हारे ने मेरे घर से एक कंगन चुराया है। अब वो झूठी शिकायत कर रहा है कि मेरा जो कंगन था वो उसने लकड़हारे ने चुरा लिया है। मुझे मालूम हुआ है कि मेरा कंगन उसी के पास है। आप कृपया उसके घर की तलाशी लेकर मुझे मेरा कंगन दिला दीजिए। ये कौन बोल रहा है? ये वह सुनार बोल रहा है। आज हम यात्री की पढ़ेंगे।
इसके शब्दार्थ करोगे बेटा 29 यानी 29 12 20 20। निर्धन गरीब यानी निर्धन, हिम्मत यानी साहस, कृपया यानी दया, जुर्म यानी अपराध, बेशकीमती यानी अमूल्य, भौचक्का यानी आश्चर्यचकित। अब आपको इसके व्याकरण वाले क्वेश्चन करने हैं, ये डालो आज की, ये आपका होमवर्क होगा। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। नंदू एक गरीब लड़का था, इसमें रंगीन शब्द कौन सा है, ये आदमी, तो इसका लिंग क्या होगा, ये आदमी पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, औरत। कोतवाल के दूसरा है, कोतवाल के पास एक गाय थी, अब गाय का लिंग चेंज करो, स्त्रीलिंग बनाओ गाय का बैल। सुनार बेईमान व्यक्ति था, अब सुनार का ये रंगीन शब्द सुनार है तो लिंग बदलो इसका, स्त्रीलिंग क्या होगा, सुनारी। फिर चौथा, माली काका बगीचे की रखवाली करता था, अब काका का स्त्रीलिंग क्या होगा, काकी। हमारे हिंदी अध्यापक अच्छे हैं, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। आपको ये लिखना है, आदमी का औरत, गाय का बैल, सुनार का सुनारी, काका का काकी, अध्यापक का अध्यापिका। फिर सेकंड क्वेश्चन, वाक्य में आए रंगीन शब्दों के वचन बदलो। अब ये रंगीन शब्द हैं उनके आपको वचन बदलना है, एक वचन है तो बहुवचन करना है। लकड़हारे के पास लकड़ी थी, लकड़हारे के पास लकड़ी थी, लकड़ी का बहुवचन क्या होगा, लकड़ियाँ। लकड़हारे की कुल्हाड़ी बहुत भारी थी, अब कुल्हाड़ी का बहुवचन क्या होगा, कुल्हाड़ियाँ। सिपाही का, अभी मैं कंफ्यूज में हूँ, जंगल में जानवर रहते हैं, जानवर का जानवरों। सुनार के पास सिक्का था, सिक्के। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिर दिए गए इस वाक्यों में आए रंगीन शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। शेर जंगली जानवर है, अब इसका जंगली का विलोम क्या होगा, पालतू। जंगली जेल में रहते हैं, पालतू पाले जाते हैं। कोतवाल का घर दूर था, दूर का विलोम शब्द क्या होगा, पास। लकड़हारा गरीब व्यक्ति था, गरीब का क्या होगा, अमीर। सुनार बहुत ही झूठा था, झूठा का क्या होगा, सच्चा। नंदू कंगन मिलने पर बहुत खुश हुआ, खुश का क्या होगा, दुख। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये आपको करना है। और साथ में आपको पेज नंबर 48, कितने पेज नंबर 48 पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आपका होमवर्क होगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, भूत भूतों, बुढ़िया बुढ़िया, कहानियाँ कहानी, कहानियाँ का क्या हुआ, कहानी, पोते पोता। एक वचन दिया हुआ तो बहुवचन करना है, बहुवचन दिया हुआ तो एक वचन करना है आपको। सेकेंड है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, आदमी औरत, बाघ बाघिन, गधा गधी, पोता पोती, धोबी धोबी, बेटी बेटा। यह आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। आप अपने मन से भी लिख सकते हो पर्यायवाची, आपके पास बुक है तो बुक के अकॉर्डिंग, और जो मैं बता रही हूँ वो भी कर सकते हो। ये जो मैं बता रही हूँ अपने मन से भी लिख सकते हो बेटा। माँ माता जननी, मनुष्य मानव आदमी, घर ग्रह भवन, धन अर्थ लक्ष्मी, दूध पय गोरस, कार्य काम काज। फिर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, जीवन, ये भी अपने मन से लाइन बना सकते हो, एक लाइन बनानी है, वाक्य बनाना है आपको, और नहीं तुम्हें मैं जो बता रही हूँ वो भी लिख सकते हो आप। जीवन, जल ही जीवन है, हरियाली, बारिश से सभी जगह हरियाली ही हरियाली होती है। ऋतु, मुझे सर्दी की ऋतु पसंद है। जंगल,
सेठ जंगल में रहता है। आपको प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन, प्रश्न चार, ये चार करना है। ये बीच वाले क्वेश्चन दो है, वैसे तुकान शब्द आपको नहीं करना है। ओके, एक नंबर डालो, एक दो तीन चार, ये वाले करना है आपको बस, और कॉपी चेक करवानी है।